हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किशन सरोज और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके फोन के वाईफाई की एक ऐसी खुफिया सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके बारे में दोस्तों आप सभी को जानना बेहद ही जरूरी है। अगर दोस्तों आप अपने फोन में वाईफाई से ट्रांजेक्शन करते हो, यानी कि किसी को पैसे भेजते हो, या फिर मान लीजिए आप वाईफाई से कोई मूवी डाउनलोड करते हो या फिर कुछ भी करते हो अपने फोन के वाईफाई से, तो आपको ये वीडियो जरूर एंड तक देखनी चाहिए क्योंकि ये वीडियो एक एडवांस फीचर की तरफ आपको ले जाएगा एंड ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है आप सभी के लिए। तो ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा, चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपके फोन में ये ट्रिक काम करे तो फटाक से हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और ये जो बेल आइकन है इसे आपको ऑल पे कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पे दोस्तों एक कमेंट करना है कि वर्किंग ट्रिक या फिर आप नाइस वीडियो लिख सकते हो। जहाँ दोस्तों जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अपने हिसाब से जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख के आपको यहाँ पे कमेंट कर देना है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं ऐसे आपको कमेंट कर देना है, तो ये ट्रिक आपके फोन में वर्क करने लगेगा। सो गाइस, उसके लिए बस आपको अपने मोबाइल फोन के सेटिंग में जाना होगा। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने सेटिंग ऑन कर लिया। सेटिंग में ऑन करने के बाद दोस्तों आपको अबाउट फोन में जाना है। अबाउट सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा अबाउट फोन एंड यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको चले जाना एकदम नीचे। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर वर्जन या फिर बिल्ड नंबर या फिर MIUI वर्जन दिखाई देगा, उस पर दोस्तों आपको 7 टाइम टैप करना है ताकि दोस्तों आपका जो डेवलपर ऑप्शन है ये ऑन हो जाए। मेरा ऑलरेडी ऑन है तो देख सकते हो मुझे ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद वापस से सेटिंग में जाते हैं एंड यहाँ से दोस्तों हम डायरेक्ट चले जाते हैं अपने जो डेवलपर ऑप्शन हमने ऑन करा है वहाँ पर। तो मेरा डेवलपर ऑप्शन इसमें है, सो इसमें जाते हैं एंड देन गाइस आपको एकदम नीचे मिल जाएगा आपका डेवलपर ऑप्शन। हर एक फ़ोन में अलग अलग इसकी लोकेशन होती है, सो आपको इस बात का ध्यान रखना है सेम लोकेशन पे आपका डेवलपर ऑप्शन नहीं होगा, एकदम नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। सो आपको इसे ऑन करना है। इसे ऑन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ से इसे एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वो सेटिंग बताने वाला हूँ जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो उसके लिए आपको नीचे आना है। नीचे आओगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक नेटवर्किंग का ऑप्शन, देख सकते हो नेटवर्किंग लिखा हुआ है, इसमें आपको आना है। इसमें आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक दिखाई देगा वाईफाई स्कैन करके, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपको इसे ऑन कर देना है। जहाँ दोस्तों इसे ऑन कर देना है, आई नो ये ऑन रहेगा आप सभी के फ़ोन में, 90% डिवाइस में ये ऑन रहता है, लेकिन उसके नीचे दोस्तों आपको दिखाई देगा मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव। अब ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ आप जान लीजिए, क्योंकि यही वो मेन फीचर है जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर दोस्तों हम इसे ऑन कर देते तो इसका बेनिफिट क्या होगा, इससे वाईफाई से क्या लेना देना, मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों कई बार हम वाईफाई का इस्तेमाल करके हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं एंड अचानक से हमारा राउटर बंद हो जाता है या फिर वाईफाई में कोई दिक्कत आ जाती है या फिर वाईफाई बंद हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है वो कैंसिल हो जाता है या फिर हमारे बैंक से पैसे कट जाते हैं, बीच में अटक जाते हैं, ऐसे कई सारे दिक्कत हो सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, इसे अगर आप ऑन कर दोगे तो आपका ट्रांजेक्शन नहीं रुकेगा, तुरंत विद इन अ सेकेंड से भी कम समय लगेगा आपका जो डाटा है फ़ोन का वो ऑन हो जाएगा। वाईफाई जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा 0.001 सेकेंड में आपका डाटा ऑन हो जाएगा एंड ईजिली दोस्तों आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आएगी। एंड सेकेंड चीज़ दोस्तों, अगर आप मान लीजिए प्ले स्टोर से कोई भारी गेम डाउनलोड कर रहे हो, जैसे कि पबजी ही हो गया, ये बहुत बड़ा गेम है, इसे डाउनलोड कर रहे हो, आपका 90% 50% हो गया है, अचानक से आपका वाईफाई में रेड लाइट जल गई एंड आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, तो ऐसे में दोस्तों आपका जो डाउनलोडिंग है वो ख़राब हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर इसे ऑन करके रखोगे तो आपकी डाउनलोडिंग दोस्तों वहीं से कंटिन्यू तुरंत हो जाएगी, जहाँ दोस्तों 0.001 सेकेंड में ही कंटिन्यू हो जाएगी, आपका थोड़ा सा भी मतलब कि वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आप समझ सकते हो इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा है। ऐसे ही दोस्तों आपको ये बहुत जगह काम आएगी, जैसे कि वीडियो कॉलिंग के टाइम अगर आपका वाईफाई चला जाएगा तो आपका जो वीडियो कॉलिंग वो रुक जाता है, कट हो जाता है, लेकिन अगर ये रहेगा तो आपका वीडियो कॉलिंग कंटिन्यू चलेगा। मींस काफ़ी सारी इसके फायदे हैं, तो इसीलिए मैंने बोला अगर आप वाईफाई इस्तेमाल करते हो तो आपको ये एडवांस फीचर अपने फ़ोन में जरूर से ज़रूर ऑन कर लेना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज़ आई होगी तो उसके लिए सॉरी एंड वीडियो को यार लाइक कर दो और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।